कौन बनेगा करोड़पति के नाम से टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है। अमिताभ बच्चन नाम का बॉलीवुड का एक्टर उस प्रोग्राम को चलाता है और एक हफ्ता पहले की बात है, इंदौर का एक नौजवान लड़का जिसका नाम आसिम चौधरी है वो केबीसी के उस शो में जाता है और 12.5 लाख रुपए जीत करके आता है। होना तो ये चाहिए, हमारा सीना फख्र से फूल जाना चाहिए, हमारी कौम का एक नौजवान गया है और 12.5 लाख रुपए जीत करके आया है। मुसलमान लड़का है, पढ़ा लिखा है, एमबीए किया हुआ है उसने, बैंक में मैनेजर है इंदौर के अंदर। उससे सवाल किया गया, बताइए कि इस्लाम के हिसाब से इसमें से कौन अल्लाह के पैगंबर नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए, ए हजरत मूसा, बी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी हजरत आदम और डी हजरत जिब्राइल। एक ऐसा सवाल कि अगर इस्लाम की बेसिक नॉलेज है तो एक मामूली सा बच्चा भी सवाल का जवाब दे सकता है। चार ऑप्शन दिए गए, मूसा, आदम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल। उस मुसलमान नौजवान ने सवाल देखते ही फौरन कहा, फ्लिप द क्वेश्चन, सवाल बदल दीजिए। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, आप देख लें। मुसलमान लड़का है, सवाल उसको इतना खतरनाक और इतना मुश्किल लगा उसके चेहरे का ज्योग्राफिया बदल गया, उसने कहा सवाल बदल दीजिए। अमिताभ बच्चन ने पूछा, कंफर्म है मैं बदल दूं सवाल? अमिताभ को भी हैरत हो रही, मुसलमान है और इसके इस्लाम से रिलेटेड सवाल कर रहा हूं और यह बदलने की बात कर रहा है। उसने कहा हां बदल दीजिए। फिर पूछा गया, अच्छा अगर तुम इस सवाल का जवाब देते तो क्या देते? उसने कहा मैं मूसा जवाब देता। शो के उस होस्ट ने बताया कि आपका जवाब गलत होता, मूसा भी अल्लाह के पैगंबर हैं, आदम भी अल्लाह के पैगंबर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के पैगंबर हैं, जिब्राइल अल्लाह के फरिश्ते हैं। सवाल का जवाब नहीं दे पाया और उसी के बाद रामायण और महाभारत से मुतालिक सवाल किया गया, बगैर कोई लाइफ लाइन लिए उसने फौरन जवाब दे दिया। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इनमें से कौन पैगंबर नहीं थे? According to Islam, who among the following was not a prophet? A. Adam, B. Muhammad, C. Musa, D. Jibreel. Sir, flip the question. Flip the question? Flip the question. शांत हो जाए गरीमान जी, इस प्रश्न को बदलना चाहेंगे आप? जी सर। All right. कबीर जी, अजीम इस प्रश्न को बदलना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले अजीम हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर मूसा। मूसा, मूसा करेंगे। कमीर महाशय, सी मूसा पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है जिब्री। पैगंबर मूसा के अलावा आदम पहले पैगंबर थे, मोहम्मद आखिरी पैगंबर, जिब्रील वो फरिश्ते थे जिन्होंने कुरान का खुलासा पैगंबर मोहम्मद के। ये हमारी कौम के पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड नौजवान का हाल, उसे रामायण के किस्से और कहानियां याद हैं, उसे महाभारत के किरदारों के नाम याद हैं, उसे नबियों के नाम याद नहीं, उसे नमाज का तरीका मालूम नहीं, उसे वजू का तरीका मालूम नहीं, उसे अल्लाह के बारे में कुछ पता नहीं, उसे रसूल के बारे में कुछ पता नहीं। मेरे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे? कल कब्र में हम क्या जवाब देंगे? ये हमारी कौम के नौजवानों का हाल है। और हम कहते हैं कश्मीर में हमारे साथ ये हो रहा है, फलस्तीन में हमारे साथ ये हो रहा है, फला जगह हमारे साथ ये हो रहा है, अल्लाह की मार हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी तो और क्या पड़ेगी? अल्लाह के बारे में मैं कुछ नहीं मालूम। वजू करने बैठ जाओ तो 90% लोगों को वजू का तरीका नहीं मालूम। बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटे को जनाजे की नमाज नहीं मालूम, जनाजे की नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं नहीं मालूम। इस कौम का हाल है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे मेरे भाइयों। इल्म और अमल ये बुनियाद है। और याद रखें, शरीयत आपको डॉक्टर बनने से मना नहीं करती, शरीयत आपको वकील बनने से मना नहीं करती, शरीयत आपको इंजीनियर बनने से मना नहीं करती, लेकिन शरीयत ये कहती है कि तुम कुछ भी बन जाओ लेकिन अपने रब को पहचानने वाले बन जाओ।
और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारी मस्जिदों में चलने वाले ये जो छोटे छोटे मकतब होते हैं, ये बुनियाद होते हैं। इन मकतबों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को इन मकतबों में भेजो और इन मकतबों की पढ़ाई को मजबूत करो, ताकि आपका बच्चा कल कुछ भी बन जाए उसकी बुनियाद और जड़ें मजबूत हो। वो IPS बन जाए, वो IAS ऑफिसर बन जाए, वो DM बन जाए, वो SP बन जाए, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, मगर उसके अंदर रब की तौहीद हो, उसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान हो। ये तरबियत आपकी मेरे प्यारे साथियों होनी चाहिए।